आप सभी को श्री कृष्ण शास्त्री जो तस्चार का कोटि कोटि नमन, और मैं आप सभी का बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्तिक मास की। और चलिए हम चर्चा करते हैं कि बहुत सारी कुंडलियां हमारे पास आती हैं, आप जैसे लोग आते हैं कि कहते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसी कौन सी बाधा है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ग्रह की बाधा से ही आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार ग्रह बहुत स्ट्रांग होते हैं, समय बलवान होता है, वक्त आपके साथ होता है, परंतु फिर भी हमारे जीवन में तरक्कियाँ नहीं हो पाती हैं। उसका बड़ा ही रहस्यमय कारण है कि आपके घर में कुछ ऐसी बाधाएं या आपके जीवन में कुछ ऐसे विचार होते हैं जो आपके जीवन में तरक्की होने से रुकावट पैदा करते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से कि हमें तरक्की में बाधा पहुंचाने वाले कौन कौन से ऐसे हमारे अवगुण हैं, और कौन कौन से हमारे घर में ऐसी बाधाएं हैं जो हमें तरक्की करने पे रुकावट पैदा करते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि आप कदापि कभी भी जूते पहन करके किचन में प्रवेश मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अन्नपूर्णा का वास होता है। यदि आप या आपकी अर्धांगिनी किचन में जूते चप्पल पहन करके भोजन पकाती हैं, उस भोजन को देवता कभी स्वीकार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में रिद्धि सिद्धि नहीं आती है। पैसा तो आएगा परंतु टिकेगा नहीं, और निरंतर आपका कार एक ही प्रगति पर नहीं चलेगा। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे। नंबर दो आपको बता दें कि आपके घर में जो पदार्थ रखा हुआ है, खाद्य पदार्थ, चाहे आपका चावल हो, दाल हो, आटा हो, इनके डिब्बे का ढक्कन खुला नहीं रहना चाहिए। यदि इनका ढक्कन खुला रहता है तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, क्योंकि इनका ढक्कन तत्काल सामान निकाले हुआ तत्काल बंद कर देना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा होता है तो आप ध्यान रखिए कि आप कभी भी धनी नहीं बन सकते हैं, चाहे आपकी कुंडली में कितने भी प्रबल योग क्यों ना, और साथ ही साथ आप और भी अहम गलतियां करते हैं। यदि आपके किचन में किसी भी पदार्थ में कीटाणु हैं, कीड़े हैं, दाल में हैं, चावल में हैं, आटे में, किसी में भी हैं, यदि उस वस्तु को आप अपने किचन में रखते हैं तो जीवन में आप कभी धन में वृद्धि नहीं पा पाएंगे, और धन की तरक्की आपकी कदाचित नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन के इतने भयंकर दोष होते हैं जो आपके जीवन को पतन की ओर ले जाएंगे, और आप जीवन के कठोर से कठोर संघर्ष के बाद भी आप पैर खींच के वापस आ जाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन कि यदि आपकी रसोई में इस तरह का कोई कार्य है तो अवश्य ही उस कार्य में परिवर्तन लाइए, और जो आपके पात्रों में हमेशा ढक्कन ढक के रखिए, और पात्रों में, और ध्यान रखिए घर में सबसे बड़ा दरिद्रता का कारण होता है कि यदि आपके घर के किसी भी कोने में मकड़ी का जाल लगा हुआ है, जाला, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में मकड़ी का जाला अगर किसी भी कोने में है तो कितनी भी लक्ष्मी कमा लीजिए, लक्ष्मी आपके घर में टिकेगी नहीं, और कार बनते बनते बिगड़ जाएंगे, और नाना प्रकार की रुकावटें भी आपके जीवन में निरंतर बनी रहेंगी। इस बात का आप सब लोग विशेषता ध्यान रखिएगा कि यदि मकड़ी का जाल उसे तत्काल हटाइए, और साथ ही साथ यदि आपके घर में ढक्कन खुले रहते हैं बर्तनों के, पदार्थों के, जिसमें दाल चावल आटा है, मसाला है, उन ढक्कनों को बंद कीजिए। और एक बात का ध्यान विशेषता रखिएगा आप सभी लोग कि रात्रि के समय कभी भी किचन को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपने जूठा किचन को छोड़ दिया तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा, और लक्ष्मी सी रात में आपके घर से बाहर निकल जाएगी। तो इन सभी जानकारियों से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, कृष्णा आस्था ज्योतिष परामर्श के केंद्र में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नाना प्रकार की जानकारियों से आपको अवगत कराएंगे। आप सभी को शास्त्री जी का कोटि कोटि नमन।